हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है प्रोबेबिलिटी। तो अपन 18.1 से पहले के जो एग्जांपल हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने एग्जांपल नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर अपना 4 है, ये कह रहा है कि टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12 आर मिक्सड अप टूगेदर एंड देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट दैट द टिकट हैज नंबर विच इज मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। देखो अपने पास 12 टिकट हैं। कितने हैं? 12 टिकट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। इस पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से 12 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। ठीक है। उसने अब कहा है कि हम इसमें से कोई भी एक क्या करें, टिकट रैंडमली चूज करते हैं। तो उस टिकट के 2 और 3 के मल्टीपल्स होने के क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो देखो 2 और 3, तो 2 और 3 के अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है ना। फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से, देखो 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 2 का मल्टीपल है, 5 किसी का नहीं है, 6 दोनों का मल्टीपल है, 7 किसी का नहीं है, 8 2 का मल्टीपल है, 9 3 का मल्टीपल है, 10 2 का मल्टीपल है, 11 किसी का नहीं है और 12 भी दोनों का क्या है, मल्टीपल सर। ठीक है। तो अपने पास टोटल ये क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल कितने हैं, 8। ये तो है फेवरेबल आउटकम्स। अब अपने पास क्या फाइंड करना है हमें, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स अपने पास गिवन है कितने, 12। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स अपने पास हैं 8, टोटल आउटकम्स 12, 4 से काट देते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 upon 3 क्या आ गया अपने पास, आंसर आ गया 2 upon 3। तो ये हमें क्या करना है, बस यही देखना है कौन से अपने फेवरेबल आउटकम्स हैं। टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स क्या निकल आती है, प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। एग्जाम्पल 5। क्या करना है, क्या हमने एक टॉस किया एक कॉइन, तो उसने पूछा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो अपने पास पता है अपन को कि एक हेड जब भी अपन टॉस करते हैं तो क्या होंगे, किसी भी आउटकम्स के आने के, हेड या टेल। तो देखो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स हेड और टेल, यही तो होंगे, या तो होगा हेड या टेल, यानी कि 2। फिर अपने पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, क्या होगा, हेड चाहिए तो कितना है, 1 है, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 upon 2। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि कौन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 upon 2 ही होती है, या तो हेड भी 1 upon 2 और टेल की भी 1 upon 2। ये हो गया एग्जांपल नंबर 5।
एग्जाम्पल नंबर 6, ए बैग कॉन्टेन ए वाइट बॉल, ए ब्लैक बॉल, ए रेड बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ ए सेम साइज, सबीता टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स आउट द रेड बॉल। ठीक है, तो सभी एक क्या है अपने पास, एक बैग है, उसमें अपने पास कौन कौन सी बॉल है, वन रेड बॉल, वन व्हाइट बॉल एंड वन ब्लैक बॉल। यही तो है अपने पास, व्हाइट ब्लैक एंड रेड बॉल। इसने हमसे पूछी है रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो किसी की भी हो सकती है ना। तो देखो सबसे पहले कुछ भी लिख लो, जोन सब चाहो हम लिख लेते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 3। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। वन ही बॉल है रेड, देखो कोई सी भी बॉल निकलवा लो, रेड भी वन है, व्हाइट भी वन है, ब्लैक भी वन है, सबके फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, वन ही है, क्या है, वन। तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो किसी की भी, इन तीनों में से सबकी क्या आएगी, थर्ड 1/3 ही आएगी, किसी की रेड की 1/3 आएगी, व्हाइट की भी 1/3 आएगी और ब्लैक की भी 1/3 आएगी, क्योंकि ये तीनों के क्या है नंबर, 1, 1 एंड 1। ठीक है, तो टोटल तो अपने पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं 3 और अपने पास फेवरेबल आउटकम्स है ओनली 1, तो अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7, सपोज ए डाइस इन थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। एक डाइस हमने क्या किया, थ्रो किया, ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या तो होगा 1, 2, 3, 4, 5 या 6। अब उसने कहा है कि इक्वल टू 5 और लेस देन 5, है ना, या तो वो 5 या 5 से क्या हो, लेस देन हो, आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अपने पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 इक्वल एंड लेस देन, तो 5 से लेस देन 1, 2, 3, 4, 5। तो अपने पास देखो ये तो हैं टोटल कितने, 6 और ये हैं अपने पास 5, तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वही m फेवरेबल अपॉन में n यानी कि टोटल। ठीक है, तो 5/6 क्या हो जाएगी अपनी, 5/6। ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 7। सिंपल सिंपल से हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए किंग। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ड की, किसकी बात कर रहे हैं, कार्ड, तो कार्ड क्या होते हैं, कार्ड होते हैं वो ताश वाले पत्ते, है ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डेक, है ना, कार्ड ऑफ डेक यानी ताश के पत्ते। ठीक,
तो आप सबको पता है, लड़कों को तो मोस्टली पता ही है ना, कि एक जो अपने पास ताश के पत्तों की गड्डी होती है ना, डेक जो होता है, कार्ड ऑफ डेक, उसमें टोटल जो होते हैं वो कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। तो 52 जो होते हैं ना, इन 52 में ना अपने पास टू कलर है। कितने कलर हैं? टू कलर। एक तो है अपने पास ब्लैक कलर, और एक होता है अपने पास वाइट, सॉरी रेड। कौन सा होता है? रेड। एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड। हाफ तो होते हैं ब्लैक और हाफ होते हैं रेड, यानी 26 तो होते हैं ब्लैक और 26 ही होते हैं रेड। अब ब्लैक में भी दो टाइप के पत्ते होते हैं। कितने टाइप के पत्ते होते हैं? दो टाइप के। ठीक है, देखो कौन कौन से होते हैं, ब्लैक और रेड। तो देखो 13, 13, 13 और 13। ठीक है, तो इसमें भी कितने टाइप के होते हैं? टू टू टाइप के होते हैं दोनों। तो 26 पत्ते कैसे काले और 26 कैसे हो गए लाल, 26 एंड 26। तो देखो इसमें 13 ब्लैक में जो 13 है ना, वो कैसे होते हैं? एक तो होता है अपने पास हुक्म। क्या होता है? हुक्म, जिसे बोलते हैं क्या, ब्लैक हार्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्लैक हार्ट। फिर एक ब्लैक होता है, इसे बोलते हैं क्या, कुछ ऐसा है ना, चिड़ी है ना इंग्लिश में, तो क्या बोलते हैं जब आएगा हम बता देंगे। एक होता है फिर है रेड, तो रेड में भी एक होता है क्या, रेड हार्ट, ये ब्लैक हार्ट और ये रेड हार्ट। और फिर होता है क्या, ईंट, ईंट को बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। ठीक है, तो 30, 30, 30, 30 होते हैं चार। देखो कलर तो होते हैं टू और टाइप होते हैं कितने, फोर। अब इस फोर टाइप में सब एक एक बार होता है। जैसे देखो सबसे पहले लगा लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 तक तो सब में ऐसे ही होते हैं। फिर आता है अपने पास जे, इसे बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं? जैक। फिर होता है क्यू। क्या होता है? क्यू, इसे बोलते हैं क्वीन। फिर होता है के, इसे बोलते हैं किंग। और फिर होता है ए, इसे बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। तो वन से, और ये सेम सब में होते हैं, इसमें भी सेम ऐसे ही ये होंगे, कलर अलग होगा, इसमें सेम ये और सेम। इन 26 जो हैं अपने पास ताश के पत्ते है ना, कार्ड ऑफ डेक, उनका कलर होता है ब्लैक और इनका कलर होता है रेड। इसके ऊपर ऐसा ब्लैक साइन, क्या होता है, साइन होता है, इसमें होता है ऐसा ब्लैक, ये होता है रेड ऑफ हार्ट और ये होता है ऐसा साइन डायमंड। ठीक है, तो यानी कि जो अपने पास ये हैं वन, ठीक है, ये भी कितने हैं, फोर, टू भी फोर, थ्री भी फोर, सॉरी ये वन नहीं होता, वन किसको बोलते हैं, एस को, है ना, ऐसे वन नहीं होता, इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, टू से। टोटल 13 होते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने हैं? 13। तो ये होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद आते हैं जैक, क्वीन, किंग एंड एस। ठीक है, एस होता है जिसे अपन इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्का। क्वीन, ये किंग जो होता है इसे अपन बोलते हैं बादशाह, क्वीन होती है बेगम, और जौकर जे क्या होता है, गुलाम, है ना, जौकर यानी गुलाम। ठीक है, तो ये होते हैं 13, 13, 13, 13। हर एक जो पत्ता है वो कितने टाइम होता है? फोर टाइम। कितने टाइम? फोर टाइम। यानी कि अपने पास दुक्की भी चार हैं, मतलब ये भी फोर हैं, ये भी फोर, ये भी फोर, ये भी फोर, ये भी फोर, क्योंकि 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, तो हर एक जो है, यानी कि कहाँ से लेकर, टू से लेकर के एस तक, सब कितने होते हैं? 4, 4, 4, 4, 4 होते हैं। ठीक है, तो टोटल अपने पास होते हैं 52, कलर होते हैं अपने पास 2, 26, 26, और उसमें फिर उनको भी कितने में, टू टू टाइप में क्या किया गया है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट उनमें डिवाइड किया गया है। तो अब हमसे पूछा है क्या, एग्जाम्पल में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है किंग क्या है, किंग होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देयर आर फोर किंग इन ए डेक। तो क्या है, देयर, सॉल्यूशन लिखते हैं,
देयर आर फोर किंग्स ऑफ 52 कार्ड्स, है ना, 52 कार्ड्स या फिर वन डेक, है ना। डेक मीन्स क्या होती है, गड्डी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 52 में कितने होते हैं, फोर किंग इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड, ऐसे भी लिख सकते हो, फोर किंग इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी कि अपने जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, फोर हैं। कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स फोर, और टोटल आउटकम्स जितने टोटल पत्ते हैं 52। अब है प्रोबेबिलिटी टू गेट ए किंग, ठीक है, क्या होगी, पी ए, वही फेवरेबल आउटकम्स 4 अपॉन टोटल आउटकम्स 52, कैंसिल हो जाएगा 1/30। देखो ये केवल किंग की नहीं है, जो मैंने पत्ते लिखाए थे ना 2 से लेकर कहाँ तक, एस तक, सबकी अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/13। 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/13, क्योंकि टोटल तो होते हैं 4 4/52, वही 1/30। तो किसी भी एक कार्ड की अगर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो उन सबकी कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/13, क्या हो जाएगी, 1/13, क्योंकि हर एक जो कार्ड है वो कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो एस हो, किंग हो, क्वीन हो, जैक हो, है ना, 10 9 8 7 से लेकर 2 तक, सब कितने कितने कार्ड होते हैं, 4 4 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो 4/52 तो कैंसिल कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा 1/13। आई समझ में। तो ये जो है, ये था अपने पास कार्ड के कुछ, जो लोग नहीं जानते ना, लड़के तो मोस्टली जानते होंगे, पर कुछ गर्ल्स हैं जो शायद कार्ड के वालों में, कार्ड के बारे में नहीं जानती, तो इसलिए कार्ड के बारे में इस एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 8। अब है एग्जाम्पल नंबर 9। टू प्लेयर्स राम एंड श्याम प्ले ए चेस। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम विनिंग द मैच इज 4/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू श्याम विनिंग द मैच। देखो इजी है एकदम, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9। देखो ये कह रहा है कि राम एंड श्याम प्ले चेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग राम, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम्स विनिंग क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम्स विनिंग हमें गिवन है 4/5, या फिर हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं पी ए। ये हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है, ये तो है राम के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी, और हमसे पूछिए श्याम के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो अगर हम ये निकाल दें कि राम के नहीं जीतने वाली प्रोबेबिलिटी, तो राम के जीतने वाली प्रोबेबिलिटी या विनिंग प्रोबेबिलिटी तो है 4/5, तो विदाउट, यानी कि जो वो नहीं जीतेगा वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से माइनस कर देंगे, कितना, 4/5। या देखो हमने पहले ही सीखा हुआ है, मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया है कि प्रोबेबिलिटी प्लस, या किसी चीज़ के ये क्या है, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल क्या होती है, 1 है। तो अब अपने पास होने की प्रोबेबिलिटी तो है,
ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी इसकी लूजिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये तो थी विनिंग की, तो लूजिंग की क्या हो जाएगी, इसमें से वन में से माइनस कर देंगे, तो जो इसकी लूजिंग की प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्चुअली में क्या हो जाएगी, श्याम के विनिंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्याम के प्रोबेबिलिटी। तो देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम्स बिगिन, श्याम्स विनिंग लिख लेते हैं। The probability of Shyam's winning, कैसे find करेंगे हम, वन minus PA, क्या करेंगे, वन minus में से जो किसकी है, राम की जीतने की क्या है probability, ठीक है, तो 1 माइनस 4 अपॉन 5, तो ये तो हो जाएगा 5, और ये देखो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। देखो वैसे भी देखने से ही 1 अपॉन 5 देखने से ही पता चल जाएगा, देखो 5 में से 4 टाइम जीत रहा है कौन, विनिंग कर रहा है कौन, राम। तो 5 टोटल आउटकम्स अपने पास कितने हैं, अब देखो यहां से अपन के पास दूसरे तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। देखो टाइप सेकंड, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो होते हैं अपने पास कौन से, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नीचे क्या होते हैं, टोटल आउटकम्स, ठीक है, और अपने पास ये दिया गया है 4 अपॉन 5, तो फेवरेबल आउटकम्स तो अपने पास है 4, टोटल आउटकम्स कितने हैं अपने पास 5, ठीक है। तो अब अपने पास जो सेकंड जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, केवल 1 बचा हुआ है, तो उसके चांस क्या हो जाएंगे, यानी पी ए डैश क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5। इसको कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसका भी मैंने फॉर्मूला निकाल बताया था एक बार, कि एन माइनस एम अपॉन में एन, ठीक है, तो एन है 5, एम है अपने पास 4 अपॉन में 5, 1 अपॉन 5, कैसे ही कर सकते हो ना, क्योंकि देखो ये अगर इसके प्रोबेबिलिटी तो है, तो 4 तो है फेवरेबल और 5 है टोटल, जब 4 में से 5 में से 4 टाइम ये विनिंग कर रहा है, तो जो श्याम है वो कितने टाइम विनिंग करेगा, केवल 1 टाइम, है ना, 5 में से 1 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 अपॉन 5। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 10, ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड प्रोबेबिलिटी टू गेट एट लीस्ट 1 हेड, क्या है, एट लीस्ट 1 हेड। तो देखो 10, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 2 को मैं पहले ही बता चुका हूं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ठीक है। अब अपने पास हमें फाइंड करनी है किसकी प्रोबेबिलिटी, हमें फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, तो देखो एट लीस्ट 1 हेड, ये तो अपने पास आ गया 4, कितने हैं 4। अब हमें क्या करना है, फेवरेबल आउटकम्स क्या फाइंड करना है, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब पता है क्या होता है, कम से कम एक हेड, एट लीस्ट 1 हेड यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितना ही हो सकता है, तो कम से कम एक हेड, देखो इसमें दोनों हेड है तो कम से कम एक तो है ही, एक हेड इसमें भी है और एक हेड इसमें भी है, तो अपने पास टोटल ये कितने हैं, हेड हेड, हेड टेल,
एंड टेल हेड, ये क्या है फेवरेबल आउटकम्स यानी कि थ्री। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पी ए इक्वल्स टू एम अपॉन एन थ्री अपॉन फोर। तो एट लीस्ट वन हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, थ्री अपॉन फोर। या ऐसे पूछ लेता वो एट लीस्ट टेल होने की, एट लीस्ट वन टेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल का भी क्या आ जाता, सेम टू सेम यही आ जाता। ठीक है, अगर ऐसे पूछता वो कि एट लीस्ट टू हेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो टू हेड तो केवल किसमें है, इसमें, तो आती वन अपॉन फोर। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, तो आज अपने एग्जाम्पल कहाँ तक हो गए, 10 तक हो गए। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। अब देखो ये एक्सरसाइज है ना 18.1, इसके एग्जाम क्वेश्चन जो है बहुत इजी हैं, तो आप ट्राई करना उनको करने की, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो कराएंगे ही। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही।